नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। और मैं हूं आपके साथ पारुल त्यागी। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। एक तरफ किसान हैं जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों की मांगे नहीं मान रही है। इसी के चलते 26 जनवरी को भी देश में हिंसा देखी गई। लाल किले पर किसानों ने खूब आंदोलन किया और उसके बाद एक धर्म का झंडा भी फहराया। इस पूरी हिंसा में पुलिस के कई जवान भी घायल हुए थे और किसान भी घायल हुए थे। ऐसे में अब दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा दिल्ली पुलिस या फिर सरकार क्यों कर रही है। आखिर क्यों ऐसा दिल्ली पुलिस ने किया है कि सड़कों पर बैरिकेटिंग कर दी है, सड़कों पर कीले लगवा दी हैं और कटीले तार लगवा दिए गए हैं। प्रद्युमन, ये कितना सही है? आज जो तस्वीर सामने आई, हर तरफ इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है कि कटीले तार लगवा दिए गए हैं, सड़कों पर कीले लगवा दी गई हैं, कितना ये सही है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में 12 से 15 लेयर की वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। चाहे कुछ हो जाए, अब किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वहां पे देखा भी ये जा रहा है कि लेबर से कील लगवाई जा रही है रोड पे, कि अगर कोई ट्रैक्टर भी वहां पर उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो कील से जो टायर है वो पंचर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कूच कर रहे हैं। 6 तारीख का अल्टीमेटम भी यहां पर किसानों ने दे दिया है, 6 तारीख को वो दिल्ली को जाम करने वाले हैं। ऐसे में चक्का जाम की स्थिति यहां पर बन सकती है। तो मौजूदा स्थिति को सही सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, जिससे जो 6 तारीख की बात कही गई है, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो सबने देखा, आपने देखा, मैंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में वो गलती फिर से दोहराई ना जाए, इतने लोगों का जो जीवन है वो संकट में ना डाला जाए, क्योंकि 26 तारीख की जो तस्वीरें थी वो काफी भयावह थी। ऐसे में जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो इतने उग्र हो गए थे कि ट्रैक्टर से जो सामने आ रहा था उस पर चढ़ा दिया जा रहा था। एक ट्रैक्टर चालक की भी वहां पर मौत हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब 6 तारीख, 26 गई लेकिन अब 6 आ रही है, कुछ ही दिन बचे हैं, अब 6 तारीख के लिए तैयारी कैसी की जा रही है? क्योंकि 15 लेयर की बैरिकेडिंग की है, चलिए एक बार आप रोक भी लेंगे, लेकिन अगर किसान 26 तारीख की तरह उग्र हो जाते हैं तो ऐसे में फिर रोकेंगे कैसे? 15 लेयर की बैरिकेडिंग एक हद तक तो किसानों को रोक देगी, लेकिन उसके अलावा और सुरक्षा के इंतजाम वहां पर क्या किए गए हैं, ये जरूर देखने वाली बात हो जाती है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस बेहद सतर्क है, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, अब जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी बेहतरीन किए जा रहे हैं। अब कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा से नहीं बन पाएगी। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जिस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा, भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, तो अब सवाल यही है कि 6 फरवरी को क्या किसानों के आंदोलन चक्का जाम को लेकर एक बार दिल्ली पुलिस फिर से चुनौती उनके सामने खड़ी हुई है, क्या दिल्ली पुलिस तैयार है? बिल्कुल, चुनौती तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है और बड़ी हो जाती है क्योंकि 26 जनवरी की जो तस्वीरें थी वो बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी भयावह तस्वीरें थी। अब ऐसे में अब 6 तारीख की बात यहां पर कही गई है, 6 तारीख का जिक्र कर दिया गया है किसानों की तरफ से। ऐसे में जब 26 जनवरी की घटना हुई थी उसके बाद काफी किसान गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर को छोड़ के चले गए थे, तो किसान आंदोलन की जो तस्वीर थी वो कमजोर होती हुई दिख रही थी। लेकिन जब राकेश सकेत जो वो रो गए थे तो वो इतना भावुक हो गए थे, तो वो भावुकता किसानों ने देखी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के न जाने कहां कहां से किसान अपने जत्थे के साथ फिर से इन बॉर्डर पर दोबारा लौट आए हैं। तो अब स्थिति फिर से वो हो गई है कि किसानों की जो संख्या है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर हो गई है। और इसी बीच बजट भी पेश हुआ है। अब बजट पेश होता है तो उसमें अखिलेश यादव ये बात बोलते हैं कि बजट पेश हुए कुछ मिनट ही हुए थे और ऐसे में अखिलेश यादव ने ये चीज बोल दी कि किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आपने पहले दिन भी ये देखा होगा जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो ऐसे में विपक्ष किसानों का समर्थन देने की बात कर रहा था, दिया भी गया था, कांग्रेस भी आई थी, आम आदमी पार्टी के, आप खुद सोच सकती है, मनीष सिसोदिया तो खुद गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर का मुआयना करने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने किसान नेताओं से बातचीत भी की थी और व्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से चल जाए उसके लिए भी उन्होंने पहल की थी। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि हम किसानों की तरफ है, राहुल गांधी अक्सर बयान देते, ट्वीट करते हैं, तो ऐसे में विपक्ष लगातार सहयोग दे रहा था अपना। लेकिन उसके बाद जब पीएम मोदी ने यह चीज बोल दी कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, तो ऐसे में विपक्ष जो अपनी राजनीतिक रोटियां 2022 के लिए सेकने की कोशिश कर रहा था वो वहां पे विफल साबित हो गया। चलिए वो पॉइंट आपका कट जाता है।
लेकिन अब 6 तारीख की बात है कि आखिरकार 6 तारीख के लिए इंतजाम कैसे हैं। जब एक गलती इंसान से हो जाती है तो वो उससे सीखता है। दिल्ली पुलिस से गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन किसान इतने उग्र हो गए थे तो वो संभालने में थोड़ी सी स्थिति डामाडोल हो गई थी, लेकिन उन सब चीज से दिल्ली पुलिस ने यहां पर सीखा है। तो ऐसे में अब 6 तारीख की जो बात है उसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैद है, पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ऐसे में अब कुछ शायद ना हो पाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए प्रद्युम्न, आज जो तस्वीर सामने आई बैरिगेटिंग और कटीले तारों की, उसके बाद अब सरकार के पे हमलावर हो गई है विपक्ष। जो है विपक्ष हमेशा एक ऐसा मुद्दा ढूंढती है जिसको लेकर वो सरकार को घेर सके। आज भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वो तस्वीरें ट्वीट कर सरकार के खिलाफ हमला बोला है, सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी ने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी अपने ही किसानों से युद्ध। तो क्या कुछ लगता है आपको कि जिस तरह से ऐसी चीजें हो रही हैं उसके बाद सरकार पर जो ये विपक्ष है वो हमलावर लगातार होता जा रहा है? क्योंकि स्थिति जो है वो कोई अच्छी नहीं है। जब स्थिति खराब हो जाती है और अगर विपक्ष सवाल ही ना उठाए तो फिर वो किस बात का विपक्ष है? ये तो साफ तौर पर है कि विपक्ष तो सवाल उठाता ही है, चाहे अच्छा किया जाए चाहे बुरा किया जाए। अब किसान आंदोलन में जो भी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सरकार की भी ये कमी सामने आई है कि सरकार सही तरीके से बातचीत किसान से नहीं कर पा रही है। लेकिन किसान नेता राकेश शकैत, ऐसे में उन्होंने ये चीज भी बोल दी कि हम प्रधानमंत्री वो हमारे भी हैं, उनका सिर हम झुकने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। तो वो भी एक पहल आगे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगे पहल की है। तो ऐसे में आप एक बार जो संवाद होता है वो संवाद सही तरीके से हो जाए, बातचीत सही तरीके से हो जाए तो स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता है। लेकिन जब विपक्ष इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है तो आप इस चीज को सोचिए कि 2022 के लिए विपक्ष कितना एक तरीके से उत्साहित हो रहा है कि बस कैसे भी करके किसानों को अपने समर्थन में लो, जिससे 2022 में विपक्ष को किसान समर्थन दे और वोट दे। तो ऐसे में ये राजनीति है, यहां पर पल अगला पल क्या आने वाला है, किस तरीके से होगा वो कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब बजट पेश होता है तो विपक्ष ने इस बार, आपने भी देखा, सबने देखा कि इतना विरोध नहीं किया है जितना पहले हमेशा किया जाता था। इस बार विरोध जरूर कम रहा है, क्योंकि इस बार जो सरकार है, जो बजट लेकर आई है, वो बजट इस तरीके का लाया गया है कि हर किसी को उसमें सम्मिलित किया गया है, हर किसी की खुशियों का ध्यान रखा गया है, कि चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो घर का कोई खर्च हो, सिलेंडर हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो जरूर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उससे चलिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन इतना हद तक नहीं पड़ेगा जहां पर और चीजों में जो कटौती की गई है। तो चलिए ये भी चीज है। लेकिन अब जो किसान आंदोलन है इसका भविष्य क्या है? 60 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, 2 महीना बहुत लंबा समय हो जाता है। ऐसे में पूरी सर्दी काट दी, अब गर्मी आने की शुरुआत हो रही है कुछ टाइम बाद ही। तो अब ये देखने वाली बात है कि भविष्य क्या रहेगा। जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये चीज बोली है कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो वो फोन कॉल कब लगेगी किसानों को और कब बातचीत हो पाएगी, ये जरूर समय बताएगा। तो प्रद्युम्न, जिस तरह से देखा जाए ये आंदोलन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, और पिछले साल की भी बात करें तो CA NRC को लेकर भी 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया था आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, लेकिन उसके बाद कोरोना का हवाला देते हुए वो आंदोलन खत्म करा दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन किसानों का जो है वो कब तक चलेगा, और क्या इसे भी इसी तरह कोई रीजन दे के खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये सवाल उठाया ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार इसका निष्कर्ष, इसका रिजल्ट क्या निकल के सामने आता है। 2024 तक तो किसान साफ तौर पर ये चीज़ बोली चुके हैं कि 2024 तक तो हम तैयार हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक किसानों का जो काला कानून है जैसा किसान बोलते हैं वो जब तक वापस नहीं होगा, तो जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, घर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए किसान बिल वापस कराकर ही हम लोग घर जाएंगे, चाहे उसमें कितना भी समय लग जाए। मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, किसान आंदोलन की एक तस्वीर 26 जनवरी के बाद ये आई थी कि कमजोर स्थिति हो गई थी, लेकिन अब स्थिति फिर से मजबूत हुई है, फिर से किसान जुटना वहां पर शुरू हो गया है। तो अब किसानों की स्थिति फिर से मजबूत हो गई है, खाने पीने के पूरे इंतजाम हैं। तो ऐसे में 2024 का जिक्र तो कर ही दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी जब बजट आता है तो अगर बजट में किसानों को ज्यादा ध्यान में रखते हुए बजट लाया जाता तो किसानों पर प्रभाव पड़ता, उससे सरकार को भी काफी फायदा से पहुंच जाता, लेकिन सीमित चीजें वहां पर रखी गई। तो चलिए वो चीज अपनी अलग है। लेकिन अब भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो इस भविष्य में आगे होना क्या है, अगर राकेश शकैत की हम बात सुने, समझे और बताएं, तो वो यही कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए जब तक वापस नहीं होगा मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन वापस करा के ही मैं जाऊंगा। उनका ये खुद बयान था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम किसान आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। तो उन्होंने ये चीज भी बोल दिया है कि चाहे कुछ हो जाए गिरफ्तारी नहीं होगी। और ऐसे असामाजिक तत्व जिसने 26 तारीख को जो भी कुछ किया उसको अब ऐसे वहां के जो लोग हैं वो तुरंत वहां से निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों को घुसने की एंट्री वहां पर बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। अब सतर्क किसान भी ज्यादा हो गए हैं, दिल्ली पुलिस तो पहले से ही है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब 6 तारीख के लिए तैयार कितनी है? आखिरकार सवाल जो है वो तो यही उठेगा कि 26 जनवरी को भी तैयारी पूरी कर ली गई थी जब एक इनपुट
सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये मिला था कि किसान 26 जनवरी को लाल किले पर जाएंगे, तो दिल्ली पुलिस ने फिर इतनी जो कमियां हैं वो क्यों दिखाई। लेकिन अब 6 तारीख का अल्टीमेटम और 6 तारीख का चक्का जाम करने की बात भी दिल्ली पुलिस को पहले से ही पता है। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस किस तरीके की स्थिति बनाती है, कैसे कंट्रोल करती है किसानों को, 6 तारीख को कैसे नियंत्रण में किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब जो है वो 6 तारीख को ही मिलेगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या कुछ कर पाएगी, किसानों को किस तरीके से रोका जा सकेगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार, नमस्कार।